पूर्व सीएम कमलनाथ के कार्यकाल में पार्टी संगठन में सक्रिय पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के सितारे एक बार फिर चमक सकते हैं। दरअसल राजस्थान के उदयपुर में 13 से 15 मई तक कांग्रेस का चिंतन शिविर होने जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश की कृषि प्रस्ताव समिति में अरुण यादव को जगह दी गई है। अरुण यादव अपने पिता सुभाष की तरह कृषि और सहकारिता में विशेषज्ञ माने जाते हैं। पार्टी ने ओबीसी चेहरे के साथ उनके कृषि संबंधित अनुभव को चिंतन शिविर में प्राथमिकता देने का फैसला किया है। कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव के साथ 2024 में सत्ता में आने की कवायद में जुटी हुई है। कमेटी बनाई गई है जिसका नेतृत्व हुड्डा जी करने वाले हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी, उसमें एक छोटा सदस्य मैं भी हूँ। तो मुझे भी बुलाया गया है और कृषि के बारे में चर्चा होगी। चिंतन शिविर 3 दिन तक चलेगा, उसमें विभिन्न विषयों पर, देश की राजनीतिक पर और तमाम अन्य विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अधिक लोगों से बात होगी और किस तरह से मिशन 23 मध्य प्रदेश में, मिशन 24 देश में वापस से यूपी सरकार लाना, उन तमाम बिंदुओं पर